हमीरपुर जिला के टौणी देवी कस्बे में पिछले कई सालों से टैक्सी चालकों को अपने वाहन खड़े करने के लिए उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण उन्हें आए दिन समस्याओं से दोचार होना पड़ता है। आलम ऐसा है कि टैक्सी स्टैंड न होने की वजह से सड़क किनारे ही टैक्सियों को खड़ी करना पड़ता है, जिस कारण कई बार यातायात जाम भी लग जाता है। वादेवी मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 70 के किनारे दिन भर खड़ी रहती टैक्सियों को जगह की कमी खलती है और कई बार सड़क किनारे दुकानों के बाहर खड़ी इन गाड़ियों के कारण यातायात की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे राहगीरों के साथ साथ वाहन चालकों को परेशानी होती है। वहीं इस समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से टैक्सी स्टैंड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज दिन तक इस राशि का कोई भी अता पता नहीं चल सका है और टैक्सी स्टैंड बनाने का कार्य भी लटका हुआ है। कई बार इन टैक्सी चालकों को पुलिस प्रशासन द्वारा चालान का भी भुगत भोगी बनना पड़ा है, क्योंकि आए दिन टैक्सियों की संख्या बढ़ रही है और उन्हें बाजार में ही खड़ा करना टैक्सी चालकों की मजबूरी बन गई है। इस मुद्दे पर टौणी देवी के पूर्व प्रधान जगदीश चौहान ने कहा कि इस राशि के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है और अगर NH पर टैक्सी स्टैंड की राशि खर्च की गई होगी तो ये टैक्सी चालकों के साथ धोखाधड़ी है। उन्होंने मांग की है कि टौणी देवी में टैक्सी स्टैंड जल्द बनाया जाए। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड के लिए सरकार ने 10 लाख रुपया सैंक्शन किया था, जिसका निर्माण आज तक नहीं हो सका। इन कारणों का पता नहीं क्या कारण है। प्रशासन से मांग की जाती है कि इस टैक्सी स्टैंड को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ अच्छी जगह पर खड़ी हो सकें। टौणी देवी के दुकानदार ब्रिज मोहन का कहना है कि टैक्सी वाले अरसी से टैक्सी स्टैंड की आस लगाए बैठे हैं और यदि पैसा कहीं अन्य स्थान पर खर्च किया गया है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। कस्बे में टैक्सी चालकों की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, मगर उन्हें खड़ा करने के लिए टैक्सी स्टैंड नहीं है, जिसका होना अति आवश्यक है। तहसील होने के नाते तहसील खुली है, गाड़ियों की संख्या ज्यादा है और प्रशासन से यह टैक्सी स्टैंड बनाने की इन्फॉर्मेशन मिली है और आज तक टैक्सी स्टैंड नहीं बना है। गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने का गाड़ियाँ इधर से उधर खड़ी हो रही है। अमरदीप राणा ने आरोप लगाया है कि टौणी देवी कस्बा इतना तंग है कि यदि टैक्सी चालक कहीं टैक्सी सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं तुरंत चलान किया जाता है। उन्होंने बताया कि भाजपा राज में केवल चुनिंदा ठेकेदारों को ही लाभ पहुंचा है और आम जनता का कोई भी कार्य सिरे नहीं चढ़ा है। उन्होंने जिलाधीश हमीरपुर से पूछा है कि बताएं वो राशि कहाँ खर्च की गई है। टैक्सी स्टैंड के लिए सरकार ने पीछे 10 लाख रुपया जो सैंक्शन किया था, लेकिन उस पैसे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। जमीन भी चिन्हित कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो टैक्सी स्टैंड नहीं बना है। हम मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से, कि तुरंत उस जो 10 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था उसका हमें बताया जाए वो कहाँ है, वो लैप्स हुआ है या किसी और जगह कन्वर्ट कर दिया गया है, उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं।